हम इस पिकअप रोलर को देखते हैं और इस पिकअप रोलर से जस्ट ऊपर और रजिस्ट्रेशन रोलर से नीचे ये जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन रोलर है, यहीं पर हमारा पेपर इन सेंसर लगा होता है। गुड मॉर्निंग मल्टीटेक अब मैं दिनेश कुमार, मैं आपको एक प्रिंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस प्रिंटर का मॉडल नंबर है HP LaserJet 1005 जो इसमें मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिंटर जिसमें हमारा यूज होते हैं 12A कार्टेज। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रहे हैं कि पावर ऑन कर रहे हैं, पावर ऑन करने के दौरान ओके कंडीशन शो करता है, रेडी हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है रेडी। देखिए देर पावर ऑन किए इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया जी, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रेडी डिस्प्ले पर हमारा रेडी लिखा हुआ जाता है। अभी देखिए इनिशियलाइजेशन हो रहा है, देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम या तो सेल्फ टेस्ट लेते हैं या सिस्टम से कमांड देते हैं। तो हम सेल्फ टेस्ट लेने के लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, सिस्टम को यहां पर चेक करते हैं। डेमो पेज का मैंने एक सेल्फ टेस्ट दे दिया है, सेल्फ टेस्ट प्रिंट आउट हो गया जी। देखिए हमारा प्रिंट आउट भी आ गया हुआ, लेकिन यहां पर डिस्प्ले पर कुछ एरर लिखा हुआ आ रहा है। ये एरर होता है पेपर जाम, ये बार बार आपको पेपर जाम एरर शो करता है। और इसी तरीके से आपको चाहे 10-20 प्रिंटर हो या 10-18 हो या 10-22 हो, इन सभी मॉडल्स में ये एरर आते हैं। या LVP 29 हो, अगर आपका सिस्टम से अटैच है, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से अटैच है प्रिंटर, तो उस पर लिखा हुआ भी आ जाएगा प्रिंटर जाम। अब देखिए इसे हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, मैं इसे ठीक करने जा रही हूं, कैसे हमें ठीक करना होगा कि जिससे कि एरर आए। जब जब हम पावर ऑफ करेंगे, अब पावर ऑफ ऑन करने के दौरान भी ये एरर देता रहेगा जाम ही, क्लियर डोर एंड। सबसे पहले हमने डोर चेक किया कि कहीं डोर इसका प्रॉपर कहीं कनेक्ट ना हो, लेकिन हमने चेक किया तो पता चला कि प्रॉपर डोर तो लगा हुआ है जी, लेकिन एरर आ ही रहा है, पेपर जाम का एरर आ रहा है। तो हमने इसमें जो हमारे पेपर जो प्रिंटर में होते हैं उनमें पेपर इन सेंसर लगा होता है और पेपर आउट सेंसर लगा होता है, तो सबसे पहले हमें पेपर इन सेंसर को चेक करना होता है जो पिकअप रोलर से ऊपर और ड्रम के जस्ट सामने लगे होते हैं, उस सेंसर को हम बोलते हैं पेपर इन सेंसर। अब देखिए सबसे पहले हमें कैसे खोलना है प्रिंटर्स को, ये भी हमें देखना है। अब देखिए हमारे पास जो प्रिंटर्स आए हैं इसे कैसे ओपन किया जाए, तो सबसे पहले हमें इसके बैक साइड में यहाँ पर एक स्क्रू लगे थे इस साइड में और दो स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं जी, जो होल बना हुआ है यहाँ पर एक का लॉक टूट चुका है लेकिन सेकंड स्क्रू है। इन तीनों स्क्रू को सबसे पहले हमें ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद इन दोनों साइड का कवर को हमें अलग करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, स्क्रू को हम ओपन कर ले, स्क्रू ओपन करने के बाद एलाइनर की मदद से इस लॉक को बाहर के साइड में प्रेस करेंगे और एक कवर साइड कवर ओपन हो जाएगा जी। देखिए साइड कवर में हमारा यहाँ पर लॉक लगे होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लॉक मजबूत होते हैं तो इसे प्रेस करना होगा। उसी तरीके से इस साइड के भी स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद साइड कवर को ओपन करते हैं, इस साइड का भी कवर को हमने ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद जो ये हमारे मेटल का लगा हुआ है इस कवर को भी दोनों साइड से ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें सेंसर आर्म को चेक करना होगा, सबसे पहले हम पेपर पाथ को चेक करते हैं। जो ये हमारा प्रिंटर है इसकी प्रिंटर में पेपर पाथ होता है, पेपर पाथ में सबसे पहले इसे टोनर कार्टेज को हम बाहर निकालेंगे। टोनर कार्टेज को ओपन करने के बाद में हम इस पिकअप रोलर को देखते हैं और इस पिकअप रोलर से जस्ट ऊपर और रजिस्ट्रेशन रोलर से नीचे ये जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन रोलर है, यहीं पर हमारा पेपर इन सेंसर लगा होता है। हमें यहां पर ध्यान से देखना है कि कहीं कोई पेपर का टुकड़ा या कुछ जाम तो नहीं है, इसलिए हम पिकअप रोलर को भी एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई पेपर का टुकड़ा या कुछ जाम नहीं है, तो फिर इसी तरीके से हम पिकअप रोलर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इसी बाद में हम सेंसर आर्म को चेक करते हैं।
सेंसर आर्म को चेक करने का मतलब होता है कि ऐसे सेंसर मूवमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, देख रहे हैं सेंसर मूवमेंट हो रही है नहीं, ये ध्यान रखना है हमें। अगर ये सेंसर आर्म मूवमेंट नहीं हो रही है इसके मतलब सेंसर को चेक करना है। तो देखिए ये हमारा पेपर टोनर प्रेजेंट सेंसर है और इसी के पास में लगे हुए पेपर इन सेंसर है, तो पेपर सेंसर आर्म को मूवमेंट को देख रहे हैं। देखिए मूवमेंट आर्म नहीं कर रहा है इसके मतलब आर्म में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो ये आर्म हमारा खराब हो चुका है या आर्म के साथ लगी हुई स्प्रिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। कि कभी कभी क्या होता है कि पेपर जाम हो जाता है जिसके कारण हम उल्टे पेपर को खींच लेते हैं जिसके कारण स्प्रिंग इसे बाहर आ जाती है। तो इसे सबसे पहले हमें स्प्रिंग को चेक करना होता है। तो देखिए यहां साइड में स्प्रिंग बाहर आ चुकी है, इस समय इस सेंसर आर्म को साथ में हमें स्प्रिंग को चेक करना है। हमने देखिए चेक किए, अब देखिए प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है जी। अब प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद फिर से हम इसे पावर ऑन करके चेक करते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम्स रेडी लिखा हुआ आ रहा है या नहीं, या पेपर जाम ही आ रहा है जी। देखिए हम सबसे पहले पावर ऑन करेंगे, हमने पावर ऑन किया, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है। अब कुछ देर बाद रेडी भी आ गया जी। रेडी होने के बाद हम सेल्फ टेस्ट लेते हैं। सेल्फ टेस्ट भी आ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे डिस्प्ले पर क्या लिखा हुआ है, अभी क्लियरली लिखा हुआ है जो पहले एरर आ रहा था पेपर जाम, वो पेपर जाम एरर क्या हुआ, खत्म हो चुका है। अगर बाय चांस सेंसर आर्म को चेक करने के बाद भी ऐसा होता तो हमें क्या चेक करना होता, सेंसर को चेक करना होता जी, क्योंकि इसमें जो सेंसर लगे होते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर लगे होते हैं, सभी सेंसर को हमें चेक करना होगा वन बाय वन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर को हमें चेक करना होता है। लेकिन जो अभी हमारे पास मार्केट से जो फॉल्ट आए थे इस प्रिंटर्स में, इस फॉल्ट को हमने सॉल्यूशन दे दिया है और ये रेडी भी हो चुका है। हम इसके साथ साथ में एक दो पेज का और प्रिंट आउट लेके चेक कर लेते हैं कि कहीं अभी भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रिंट आउट भी आ चुका है जी और रेडी भी हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट फॉल्ट के साथ फिर मैं आपको दूसरे सॉल्यूशन के साथ फॉल्ट के साथ आपसे मिलूंगा, क्योंकि देखिये इस हमारे पास प्रिंटर्स के नए नए वीडियो हमने बनाते हैं, जो भी हमारे पास लेटेस्ट फॉल्ट्स आते हैं उन सभी लेटेस्ट फॉल्ट्स के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिमांड होता है कि ये फॉल्ट्स के बारे में बताइए। अभी हमारे पास एक फॉल्ट्स और भी मैं बताने वाला हूं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंटिन्यू होते रहता है। ऐसा क्यों होता है कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंटिन्यू होता है, जिसमें लोग कहते हैं कि सर ये इनिशियलाइज लंबे टाइम तक हो रहा है, इसमें क्या सोल्यूशन हम दे, कैसे हम इस फॉल्ट को दूर कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।